हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपको आप ही के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहां पे कल के लिए टॉप स्टॉक को चूज करेंगे और उसका बाइंग और सेलिंग का लेवल देखेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कल का जो परफॉर्मेंस था वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, आज मार्केट वैसे भी बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ था, तो कुछ एक्टिविटी ज़्यादा हुआ नहीं है। कल का हम लोग का जो पहला स्टॉक था वो ग्रासिम था। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रासिम का जो लेवल था बाइंग का, वो एकदम एंड के टाइम में यहाँ पे हिट हुआ है। तो यहाँ पे इंट्राडे में तो कोई पोजीशन वैसे बनता नहीं था, तो ग्रासिम में तो कुछ ट्रेड वैसे हुआ नहीं है। दोस्तों, इसके छोड़ के दूसरा जो स्टॉक था वो वोल्टास लिमिटेड था, वहां पे भी बाइंग नहीं हुआ क्योंकि मार्केट एक गैप डाउन दिया था आज सुबह। और जो दोस्तों तीसरा स्टॉक था लार्सन एंड टुब्रो, उसमें भी गैप डाउन हुआ, तो उसमें भी बाइंग जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज का दिन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन एक चीज है दोस्तों कि आज कोई भी स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कल के डेट के लिए मतलब 22 जून के लिए हम लोग टॉप 3 स्टॉक को चूज करेंगे और पूरा टेक्निकल के साथ चूज करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जाते हैं आज के टॉप 3 स्टॉक की तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला स्टॉक है वो है अमर राजा बैटरीज। आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, अमर राजा बैटरीज में एक बहुत अच्छा पैटर्न जनरेट हुआ है। ये एक लॉन्ग टर्म आपको यहां पे एक सपोर्ट लाइन दिखेगा, जिसको दोस्तों ये मानते मानते ऊपर आ रहा था और आज उसी को टकरा के यहाँ पे खत्म हुआ है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 752 का एक रेजिस्टेंस लेवल भी था जिसको आज इसने हिट किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप ठीक से ड्रॉ करोगे तो ये जो चीज है ये आपको एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा और इसी के ब्रेकआउट पे कल हम लोग अमर राजा बैटरीज में एक पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे एक पोजिशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अमर राजा बैटरी का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 753 का आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है बाई अब 753, तो 753 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो हम लोग अमर राजा बैटरीज में एक बाई एंट्री लगा सकते हैं। और इस टाइम पे हम लोग जो एसएल रखेंगे वो 748 के आसपास रखेंगे। हम लोग का जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 758 के आसपास होना चाहिए और दूसरा टारगेट 760 के आसपास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम लोग जाते हैं आज का दूसरा स्टॉक की तरफ। फ्रेंड्स, आज का जो दूसरा स्टॉक है वो है अरोबिंदो फार्मा, मतलब ऑडो फार्मा। दोस्तों, ऑडो फार्मा का चार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑडो फार्मा जो है आज एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है और रेजिस्टेंस लेवल को टकराए बिना क्लोजिंग दिया है, एकदम पास गया और नीचे आके क्लोज दे दिया। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखा है कि हर दिन का जो लेवल है, जो लो है, वो दोस्तों यहाँ पे उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप अगर ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो ये आपको फ्लैट टॉप ट्राइंगल पैटर्न के हिसाब से दिखाई देगा। और दोस्तों, ये जो फ्लैट टॉप ट्रायंगल पैटर्न होता है इसको हम लोग ब्रेकआउट के तरफ ट्रेड करेंगे, मतलब ऊपर के तरफ ट्रेड करेंगे। और जो हम लोग का ट्रेडिंग लेवल जनरेट होगा दोस्तों, वो यही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के लेवल के हिसाब से हम लोग अपना ट्रेडिंग लेवल को जनरेट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कल अगर अरोबिंदो फार्मा या ऑडो फार्मा में हम लोगों को ट्रेड करना है तो लेवल क्या हो सकता है। तो अरोबिंदो फार्मा या ऑडो फार्मा का जो लेवल दोस्तों निकल के आ रहा है वो 957 का है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है बाई अबाउट 957। तो प्राइस अगर 957 के ऊपर जाता है तो हम लोग एक बाई पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं और जिसका एसएल हम लोग रख सकते हैं 950 के आसपास, मतलब 7 रुपया का एसएल होगा। और इसके हिसाब से हम लोग जो टारगेट ले सकते हैं, हम लोग का टारगेट और 965 के आसपास हो सकता है और टारगेट 2968 के आसपास हम लोग ले सकते हैं। तो अरोबिंदो फार्मा का यही लेवल था। अभी हम लोग जाएंगे हम लोग का तीसरा स्टॉक की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं आज का तीसरा स्टॉक पे जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। आप यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखेगा। और दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का नीचे ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इसका भी सिर्फ ब्रेकआउट के तरफ ही हम लोग ट्रेड करेंगे। और दोस्तों, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर सिमेट्रिक ट्रायंगल को आपको ट्रेड करना है तो इसके अंदर जो पैटर्न बनता है, जो हाई लो या जिगजैग या इस पैटर्न जो भी बोलते हैं, जो पैटर्न बनता है, इसी पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम लोग को ट्रेड करना होता है। ऐसे लाइन के ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर जो जिगजैग का टॉप बनता है उसी टॉप का ब्रेकआउट पे हम लोग को ट्रेड करना होता है। तो
तो फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट के साथ चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एक साइड इंडस्ट्रीज को अगर कल हम लोगों को ट्रेड करना है तो उसके लिए कौन सा लेवल आ रहा है। तो फ्रेंड्स एक साइड इंडस्ट्रीज का जो बाइंग लेवल निकल कर आ रहा है वो 186.20 है। मतलब अगर प्राइस 186.20 को ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसका एसएल हम लोग दोस्तों 184 के आसपास रख सकते हैं। हम लोग का जो टारगेट 1 है दोस्तों वो 188 के पास होना चाहिए और जो टारगेट 2 है वो 189 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था कल के लिए मतलब 22 जून के लिए टॉप 3 स्टॉक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को YouTube में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों लाइव मार्केट में कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई स्टॉक एनालिसिस मुझे रिक्वेस्ट करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डिस्कशन बोर्ड पे आप अपना क्वेश्चन या रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये दोस्तों एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो पे।